मैं हूँ संतोष देवी, प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सबको ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरे प्यारे बच्चों, भाई बहनों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आनंदमयी कुशल से होंगे। तो आज हम आप सबके लिए बना रहे हैं आगरे का सुप्रसिद्ध पेठा। तो क्या बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों? आगरे का पेठा जो दुनिया भर में जाना जाता है, आगरे की सुप्रसिद्ध मिठाई है। तो चलिए बनाते हैं हम पेठा। दो पेठों का बना रहे हैं। पेठा बनाने के लिए हमें इस तरह का पेठा लेना है जिसके बीज पक गए हों। अब इसे दांती की सहायता से काट लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, ये काफी हार्ड कटता है, सावधानी पूर्वक काटना है। अब इसके छिलके को छील लेते हैं। इसके गुद्दों को निकाल देते हैं। बीज वाले हिस्सों को निकाल देना है। अब आप मन चाहे आकार के पीस काट लेना। हम मीडियम साइज के पीस काट रहे हैं। अब एक कांटे वाली चम्मच की सहायता से इन पीसों को चको लेते हैं। अब अच्छी तरह से इन्हें दो तीन बार धुल लेते हैं। अब हम एक बाउल में पानी डाल रहे हैं। अब पानी में दो चम्मच खाने वाला चूना डाल रहे हैं। अब इसे अच्छी तरह से घोल लेते हैं। पेठे के पीसों को चूने के पानी में डाल देते हैं। Thank you.
अब 15 घंटे के लिए हम इसे ढककर रख देते हैं। 15-16 घंटे हो चुके हैं, अब चूने के पानी को निकाल देते हैं। अब इसे साफ पानी से कई बार धुल लेते हैं। ये 4-5 बार हमें अच्छे से धोना है। ये देखिए, हमने पेठा 5 बार अच्छी तरह से साफ पानी में धुल लिया है। पेठा हमारा कितना सफेद लग रहा है, व्हाइट है बिल्कुल। पेठे को पकाने के लिए पानी को गैस पर रख देते हैं। गैस जला दी है। अब हम एक भगोना रख रहे हैं गैस पर। अब भगोने में पानी डाल रहे हैं। पानी हम इतना डाल रहे हैं जिससे कि हमारा पेठा डूब जाए। पानी को ढक देते हैं जिससे हमारा जल्दी से पानी उबल जाए। पानी उबल चुका है, देखिए। अब हम पेठे को डाल देते हैं। अब हम उबलते पानी में पेठे को डाल देते हैं। पेठे को हम तेज आंच पर 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। ये ध्यान रखना है पानी पेठे के ऊपर रहे, इस तरह से। गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। बीच बीच में पेठे को चलाते रहना है। पेठे को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इस पानी को निकाल देते हैं। ये देखिए, पेठा हमारा कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है, कितना पारदर्शी हो गया है। अब चीनी की चाशनी बना लेते हैं। हम 1.5 किलो चीनी की चाशनी बना रहे हैं। एक कप दो कप तीन कप चार कप चीनी की चाशनी में उबाल आ गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा केवड़ा डाल देते हैं।
देखिए चीनी की चाशनी कितनी साफ है, साफ वाली ही चीनी लेनी है मेरे प्यारे बच्चों मेरे भाई बहनों, गंदी चीनी नहीं लेनी है। अब पेठे को चाशनी में डाल देते हैं। अब पेठे को चीनी की चाशनी में हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। और धीरे धीरे बीच बीच में चलाते रहना है इस तरह से। बीच बीच में इस तरह से चलाते रहना है। सावधानी पूर्वक चलाना है। देखिए चीनी की चाशनी काफी गाढ़ी हो चुकी है। देखिए चीनी की चाशनी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, 10 से 12 घंटे के लिए इसे ढककर रख देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मेरे भाई बहनों, पेठे को चाशनी में डाले हुए 12 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए चाशनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, सब पेठे ने पी ली है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये गीला वाला पेठा है, लेकिन हम पेठा सूखा वाला बना रहे हैं। चाशनी को गाढ़ा और कर लेते हैं। गैस को जला लेते हैं। गैस जला दिए, चाशनी को थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब गैस को बंद कर देते हैं। अब एक थाल में एक कटोरी रखकर उस पर बड़ी जाली रख देते हैं। अब जाली के ऊपर पेठे के पीसों को रख देते हैं। जाली पर पेठे के पीस इसलिए रख रहे हैं ताकि दोनों तरफ से हवा लगकर पेठे के पीस जल्दी सूख जाएं। मेरे प्यारे बच्चों मेरे भाई बहनों, अब पेठे को छाया में पंखे के नीचे रख देते हैं 3-4 घंटे के लिए,
जिससे पेठा अच्छी तरह से ड्राई हो जाए यानी अच्छे से सूख जाए, तो ये काफी दिन तक चलेगा और खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए पंखे में रखते हैं। पेठा हमारा अच्छे से सूख गया है, 2 घंटे हो चुके हैं, पेठा हमारा अच्छे से सूख गया है। ये देखिए पेठा बाहर से कितना सूखा है और अंदर से कितना जूसी है। अब पेठे के पीसों को जाली से हटाकर थाल में रख देते हैं। आप इस पेठे को किसी एयर टाइट डिब्बे में रखकर 2-3 महीने आराम से खा सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आगरे का प्रसिद्ध पेठा बनकर तैयार है। पेठा बहुत अच्छा बना है, बहुत ही रसीला है, बहुत ही अच्छा है, देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। तो देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, दौड़े चले आओ, आगरे का प्रसिद्ध पेठा खा लो, आ जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हमारे चैनल के सदस्य जरूर बनना, हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहो, आनंदित रहो, बाय बाय। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, मेरे पति को पेठे का बहुत शौक है, जब भी आगरा जाते हैं तो पेठा जरूर लेकर आते हैं। तो चलिए हम पेठा खिलाते हैं। बहुत बढ़िया, जवाब नहीं, ऑर्डर ही बढ़िया है। संतोष जी, आप ये पेड़ा खाइए, पेड़ का पीस खा लो आराम से, आराम मजा है। पेड़ा जवाब नहीं, पेड़ा मजा आ गया। क्या कहने, पेठा बहुत लाजवाब बना है, आगरे का पेठा बना है बिल्कुल। आप सब इस तरह से ही बनाना और खाना और खिलाना, अपना अनुभव प्रियंका नॉलेज बैंक पर जरूर शेयर करना, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।